हाय गाइस, कैसे हो सारे? आई होप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जा रहे हैं यार हेलमेट लेने, क्योंकि THH हेलमेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ चांसल पास राइड पे, वो गिरने की वजह से उसके विंड स्क्रीन का मैकेनिज्म टूट गया था और THH के हेलमेट अब इंडिया में आ नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो अब नया हेलमेट आज लेके आते हैं। दो हेलमेट मैंने सेलेक्ट किए थे, SMK का टाइटन और MT का थंडर 3 प्रो। तो इन दोनों में से कोई एक हेलमेट आज देखते हैं, राइडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और व्लॉगिंग के हिसाब से कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहता है। और इस हेलमेट का यार विंड स्क्रीन ओपन नहीं हो सकता अब, क्योंकि मैं सेलो टेप लगा के चांसल पास राइड से लाया था। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये अभी लॉक है, इसका शीशा ओपन नहीं होता है। और इसमें ना विंड नॉइज़ कैंसिलेशन भी अब उतना अच्छा रहा नहीं है, और पैडिंग भी लूज़ हो गई है, नई पैडिंग भी नहीं मिल रही है। तो आज कोशिश करेंगे एक नया और अच्छा हेलमेट लेके आए जल्दी से, और फिर अगली आने वाली राइड्स की जो तैयारी अभी रुकी हुई है, जो लॉन्ग राइड्स मेरी, उनको फिर से स्टार्ट करें। मैं आ गया हूँ पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल पे, जो करोल बाग में है, और यहाँ पे यार MT के हेलमेट मिल गए हैं। दो हेलमेट मुझे मिले हैं, थंडर 3 प्रो और एक Blade 2। ये दोनों हेलमेट मुझे बहुत पसंद आए हैं यार। ये है Blade 2 और ये है थंडर 3 प्रो। इन दोनों को पहन के दिखाता हूँ यार। ये 1650 ग्राम का है, ये 1600 ग्राम का है, और इन दोनों में ना यार 4 रेटिंग्स हैं। शार्प की रेटिंग है 4 स्टार और ECE की 0.5 है, और डॉट अप्रूव्ड है एंड ISI इंडियन, वो तो होना ही होना है। ये अभी मैंने डाला है यार MT Blade 2। इसका जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छा है यार, पीछे इसमें स्पॉइलर नहीं है, और इसका जो सन वाइज़र है उसका भी कवरेज काफ़ी अच्छा है। दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर ले रहा है। और जो मैंने अभी MT थंडर 3 प्रो पहना था उसका कवरेज इतना अच्छा नहीं था, और इसमें पीछे यहाँ पे रिफ्लेक्टिव पैडिंग्स भी दी गई है, और इसमें रैचेट वाला लॉक सिस्टम मिलता है, जो जिसकी मुझे आदत है, उसमें डी रिंग मिलता है। ये थोड़ा इजी है, और इसका प्राइस है 7500 रुपीज़, और MT थंडर 3 प्रो का प्राइस है 6800 रुपीज़। दोनों में पिन लॉक सिस्टम अलग से लेना पड़ेगा यार। ये मैंने पहना अभी MT थंडर 3 प्रो, इसका देखिए सनवाइज़र का कवरेज उससे कम है, ये यहाँ पे काफ़ी गैप रह रहा है, 2.5 फिंगर्स का, उसमें कवरेज काफ़ी अच्छी है। और इसमें ना यार डी रिंग सिस्टम है, तो ये डी रिंग सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिन बाद आदत हो जाती है, लेकिन काई को आदत डालनी है यार। इजी सिस्टम लेना चाहिए यार, क्योंकि लॉन्ग टूरिंग पे बार बार हेलमेट उतारना ये सब तो रहेगा, तो इसलिए डी रिंग वाला थोड़ा सा अभी के लिए अवॉइड करूँगा। तो ब्लेड 2 वाला जो हेलमेट है वो अभी के लिए एक पसंद आ गया है। देखने आया था थंडर 3 प्रो, लेकिन पसंद ब्लेड 2 आ रहा है, क्योंकि इसके फीचर ही ऐसे हैं और प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 700-800 रुपीज़ का ही डिफरेंस है। इसका जो वाइज़र है इसमें भी यहाँ पर लॉक सिस्टम दिया हुआ है, ये देखिए, ये इसको अनलॉक करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। आपको पहनने के बाद जो फेस पे फिटिंग आ रही है अंदर, जो कंफर्टेबल फील हो रहा है वो इसमें ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू MT थंडर 3 प्रो। बहुत बार ऐसा होता है हम सोच के कुछ जाते हैं और फाइनली हमें चीज़ कुछ और पसंद आती है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं MT का थंडर 3 प्रो लेने गया था बेसिकली पसंद करके यहाँ से, और SMK टाइटन, ये दो ऑप्शंस पसंद करके गया था। हाउएवर जब मैं पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल करोल बाग गया, वहाँ पे मुझे पसंद आया MT का Blade 2। MT के Blade 2 को यार देखने के बाद थंडर 3 प्रो बेसिकली मेरे को पसंद नहीं आया। मैं आपको बताऊंगा ये दोनों हेलमेट क्यों नहीं पसंद आए, और MT Blade 2 का ये वाला कलर जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ वो मुझे पसंद आया था, एल साइज़ में ये कलर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो यार यही कलर लेने के लिए मैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल, जो करोल बाग में सबसे बड़ी रिटेल शॉप है, वहाँ पे गया। लेकिन जो जो MT Blade 2 में फ़ीचर थे मोर और लेस सारे के सारे वैसे ही, और उससे भी थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन मुझे वहाँ पसंद आ गया, और वो हेलमेट है LS2 का FF 800। मैं आपको दिखाता हूँ। और यार आप अब जब भी कभी कोई भी हेलमेट ख़रीदें 4,000 या 5,000 रुपये तक का, तो मैं आपको बताऊँ पिछले 2-3 दिन की जो मैंने लर्निंग की है हेलमेट को लेने के लिए, आप 2-3 चीज़ें इंश्योर करें आप हमेशा लें। एक तो यार प्लेन विंडशील्ड लें, जिस तरह की ये है क्लियर विंडशील्ड, और उसी विंडशील्ड के अंदर उसी हेलमेट में आपको एक सन वाइज़र भी होना चाहिए, और कोशिश करें पिनलॉक सिस्टम भी हो,
और नीचे चिन का डेंट भी हो। तो यार ये दो तीन चीज़ें अगर आपकी रहेंगी ना तो आपकी राइडिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। बहुत बार हम लोग ना ब्लैक विंडशील्ड ले लेते हैं या टिंटेड विंडशील्ड ले लेते हैं या फोटोक्रोमेटिक विंडशील्ड ले लेते हैं जो रिफ्लेक्टिव होती है, लेकिन यार वो सब विंडशील्ड ना यार रात को नहीं चल पाती। और उस वक्त हम ये सोचते हैं कि अभी के लिए मेरे को नाइट राइड नहीं करनी है, लेकिन यार यू नेवर नो कब आपको ज़रूरत पड़ जाए रात को भी ड्राइव करने की। तो आप कोशिश करें जब भी हेलमेट ले ये सारी चीज़ें कम से कम आपके हेलमेट में हों। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैंने LS2 का कौन सा हेलमेट लिया है। मैंने लिया यार LS2 का स्ट्रॉम 2, ये मॉडल है और ये इसका एक मॉडल है FF800। उसके अंदर सब जो कैटेगराइज किया गया है LS2 स्ट्रॉम 2, और अभी तक स्ट्रॉम आता था उसका तो जो रेटिंग था सेफ्टी रेटिंग वो ECE का 22.05 था, और इसलिए आता है 22.06 की रेटिंग के साथ। ये लेटेस्ट रेटिंग है यार ECE की। ये इंश्योर हो जाता है इस चीज़ से कि हेलमेट कहीं ना कहीं ज़्यादा सेफ है, थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग के साथ आता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इसको रिग्रस टेस्ट किया गया है तभी ये जाके सेफ्टी रेटिंग मिल पाती है। ये कलर है सेल्वाडोर। ये कलर यार दिल्ली में तो किसी भी स्टोर पे अवेलेबल नहीं था एल साइज़ में। ये मुझे मिला गाज़ियाबाद में जाके गुप्ता बाइकिंग गियर्स पे। आपको मैं फ्रंट से दिखा रहा हूँ और ये साइड से और ये दूसरी साइड से और ये बैक से और ये ऊपर से, इस तरह का कलर है यार। ये हेलमेट के बारे में मैं इसके फीचर बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने SMK टाइटन और MT थंडर 3 प्रो या MT का ब्लेड 2 क्यों नहीं लिया इसे देखने के बाद। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की बात करें पैडिंग से, तो पैडिंग में यहाँ पे रिफ्लेक्टिव आते हैं और ये पाइप भी है एक पतला सा रिफ्लेक्टिव। और ये जो पैडिंग है ना यार ये एक्चुअली क्विक रिलीज है। आप यहाँ पे हाथ डालें पैडिंग को बाहर खींचेंगे पैडिंग ऐसे ही बाहर आ जाएगी। और इसके अलावा पैडिंग की जो क्वालिटी है ना यार वो काफ़ी अच्छा है। ये एंटी बैक्टीरियल करके इन्होंने लिखा हुआ है बॉक्स पे, वो वाली पैडिंग है। ये जो लॉकिंग सिस्टम है ना यार ये रैचेट वाला आता है इसमें। पहले जो इससे स्ट्रॉम 1 जो मॉडल आता था उसमें स्टील का था, लेकिन अभी ये प्लास्टिक का कर दिया, तो प्लास्टिक वाले से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि THH के हेलमेट में भी प्लास्टिक वाला ही है और 5-6 साल से उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है अभी तक। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे चिन का टेंट दिया गया है और यार चारों तरफ ना एक बीडिंग दी गई है प्लास्टिक की पूरे हेलमेट पे। ये वाली अगर आपको दिख रही हो तो ये पूरे हेलमेट पे दी गई है, जब आप रखेंगे तो यही चीज़ टच होगी, तो पूरा हेलमेट का पैडिंग वगैरह नीचे टच नहीं होगा। और इस पे मैंने ये सब इंस्टॉल कर लिया है, इंटरकॉम और गोप्रो का माउंट भी, गोप्रो और ये इंटरकॉम की यार टेस्टिंग ही मैं कर रहा था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला। इसके अलावा इसके विंडस्क्रीन की बात करें तो यार एक तो ना ये एरिया जो है ना काफ़ी वाइड है, जितने भी हेलमेट मैंने देखे उसमें इतना वाइड नहीं था। इसमें विजिबिलिटी का जो एरिया है काफ़ी दूर तक और काफ़ी दाएं बाएं तक खुला है। और ये जो विंडस्क्रीन है ये यहाँ पे ना एक लॉक सिस्टम है, इस तरह से जो आवाज़ आती है ये लॉक हो जाता है। और इसमें यहाँ पे एमटी ब्लेड 2 में एक बटन था, वो बटन दबाने के बाद ही आप उसको वो अनलॉक होता था, लेकिन इसमें कोई बटन नहीं है लेकिन लॉकिंग सिस्टम है। ये काफ़ी ईजी, आपको बटन दबाने का एक झंझट कम हो जाता है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से थोड़ा तेज प्रेस करेंगे तो वो लॉक होता है और सीधा ऊपर खींचेंगे हल्का सा पावर ज़्यादा लगती है तो वो अनलॉक हो जाता है। बटन दबाने का सिस्टम भी एक सरदर्दी है राइडिंग के दौरान। इसके अलावा इसमें आता है ये सन वाइज़र। अगर आप सन वाइज़र देखेंगे तो कवरेज इसका ना बिल्कुल नोज पैड तक टच हो रहा है, एक फिंगर तक अंदर नहीं जा रही है। MT थंडर 3 प्रो से ज़्यादा कवरेज थी ब्लेड 2 में और ब्लेड 2 से भी ज़्यादा कवरेज है इसमें। तो सन वाइज़र जो है ये जब आप दिन में बाइक राइड कर रहे होंगे धूप में तो ये काफ़ी सूदनिंग रहेगा आपकी आइज़ के लिए, आप स्ट्रेस फ्री होके ज़्यादा देर तक बाइक राइड कर पाएंगे। और यहाँ पे एक दे रखा है नोज पैड, ये नोज पैड है जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग आ रही है ना पूरा हेलमेट का, अच्छे से आ रही है। इसके अलावा एक एयर वेंट यहाँ दे रखा है नीचे, आप देख पा रहे होंगे चिन पे, इसको लॉक अनलॉक ओपन क्लोज करने का यहाँ पे सिस्टम है। एक एयर वेंट दे रखा है ऊपर, इसको ओपन और क्लोज करने का ये सिस्टम है। यहाँ पे दो स्पेस दिए गए हैं एयर के जाने के और एयर एग्जॉस्ट दिए गए हैं बैक साइड में, दो ऊपर हैं यहाँ पे और दो साइडों में दिए गए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
और बैक साइड में आप देख सकते हैं किस तरह से, इसमें सिर्फ दो ही रेटिंग आती है यार, ECE, इसका वेट है 1500 ग्राम, और ISI, यही दो रेटिंग आती है। अब बात करते हैं SMK Titan और MT Thunder 3 Pro की। तो देखो यार, SMK जो Titan है उसका वेट बहुत ज़्यादा था, पैडिंग का क्वालिटी सबसे लो था इन तीनों हेलमेट में अगर मैं बात करूँ तो, और उसके अलावा प्राइस भी उसका बहुत कम नहीं था, 8,500 रुपीज़ के अराउंड वो पड़ रहा था। तो मुझे वो तो वर्थ नहीं लगा यार, आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करो तो और अच्छा हेलमेट लो। इसी तरह MT Thunder 3 Pro भी 6,800 रुपीज़ का था और उसमें 2,000 रुपये का पिनलॉक सिस्टम एक्स्ट्रा लग रहा था, तो उसका भी प्राइस जो है 8,800 रुपीज़ जा ही रहा था। और MT Blade 2 वो 75+2,000 रुपीज़ पिनलॉक सिस्टम, वो 9,500 रुपीज़ तक जा रहा था, लेकिन वो हेलमेट अच्छा था एक्चुअली में, तो वो उसका कलर ना मिलने की वजह से मुझे ये मिला, और इसका ये कलर मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैं फाइनली ये बोल सकता हूँ कि मैंने 10,000 रुपये के अंदर ये अच्छा हेलमेट पिक किया है इस रेंज में यार। MT इसको आप MT Thunder 4 Pro से कंपेयर कर सकते हैं, उसमें एक दो फीचर ज़्यादा हैं, लेकिन सारी चीज़ ओवरऑल क्वालिटी और बाकी फीचर देखें तो ये मोर और लेस MT Thunder 4 Pro के बराबर है। और ये 10,700 का जो इसका ऑनलाइन प्राइस है, मैंने सब जगह ये वाला कलर या कोई भी और भी कलर 10,700 से एक रुपया भी कम नहीं दे रहे थे। मुंबई, पुणे, चेन्नई और बेंगलोर वाले जितने भी स्टोर वाले थे जिनके पास LS2 ब्रांड रखा हुआ था, लेकिन गुप्ता बाइकिंग गियर पे मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने 500-600 रुपये इसमें मुझे कम कर दिए। तो अगर आप भी लेना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, वो भी काफ़ी बड़ी शॉप है यार उस एरिया में, गाज़ियाबाद में मैं फर्स्ट टाइम गया था। और इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो किसी भी वजह से, या आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो हेलमेट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और आगे आने वाले मेरे व्लॉग के लिए मेरे साथ बने रहे। आज के लिए टाटा, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता।